नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया का खास एपिसोड सोशल हलचल, जहां हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की तमाम वायरल खबरों के बारे में। इन दिनों मध्य प्रदेश में बस कुछ ही चीजें तो वायरल हो रही हैं, जिनमें बाबा बागेश्वर धाम और पंडित प्रदीप मिश्रा, इसके अलावा हाल ही में अनिरुद्ध आचार और देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज भी आए थे, जो कि जमकर अपनी कथाओं के बाद वायरल हुए थे। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा वीडियो आया है जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा और थोड़ा सा भावुक भी कर देगा कि आखिर कैसे भक्त और भगवान के बीच ये संबंध बन जाते हैं। सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। बेटा क्यों रो रही है संध्या? क्यों रो रही है बेटा? परीक्षा देते देते कथा में जाना है। हाँ। क्यों बेटा? जीव अच्छा लगेगा। है? जीव अच्छा लगेगा। जीव अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा, और घर में कौन कौन जा रहा कथा में? मेरे भाई और इसलिए मेरे भाई और जा रहे। कथा ज्यादा जरूरी कि परीक्षा ज्यादा जरूरी? बेटा बता, कथा ज्यादा जरूरी कि परीक्षा ज्यादा जरूरी? बता रहे परीक्षा तो फिर लिखे ना पेपर। पेपर लिखने के बाद जाना है। कथा सुनना अच्छी बात होती है, पर परीक्षा का काम करना ज्यादा अच्छी बात होती है। वायरल वीडियो में आपने देखा कि एक कक्षा में कुछ बच्चे बैठकर परीक्षा दे रहे हैं और एक बच्ची बड़ी ही सिसक के रो रही है, जिसके बाद उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा परीक्षा देते वक्त तुम क्यों रो रही हो? तो बच्ची कहती है मुझे कथा सुनने जाना है। अब उसकी शिक्षिका उसको समझाती है कि बेटा कथा तो बाद में भी सुन सकती हो, लेकिन परीक्षाएँ पहले ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बाद बच्ची सहम जाती है और परीक्षाएँ देने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरल वीडियो कहाँ का है और ये बच्ची कौन है। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस कथा का जिम्मा खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे थे। इस दौरान कथा से जुड़ी हुई तमाम वायरल वीडियो भी सामने आई, जिनमें से एक वीडियो ये है। ये वीडियो भी उज्जैन का ही बताया जा रहा है, जहाँ पर प्राथमिक की परीक्षा देने वाली ये बच्ची अपने स्कूल में पहुंची और बच्ची रो रही थी क्योंकि उसे कथा सुनने जाना था और उसी टाइम पर उसकी परीक्षाएं थी। ऐसे में शिक्षिका के द्वारा उसे जमकर समझाया गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन मासूम बच्चों पर इतने जोर से कथावाचकों का प्रभाव कैसे हो सकता है? भक्ति में शक्ति है जैसे डायलॉग यहाँ पर खूब काम आते हैं और बच्चों का भगवान से संबंध भी बन जाता है और इन बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा काम उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग इसे अपने अपने तरीके से वायरल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा का इतना प्रभाव कि बच्चे भी उससे अछूते नहीं है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को तो कम से कम इन कथाओं और कथा भागवतों से दूर रखना चाहिए, वो पढ़ाई पर फोकस इनके कारण नहीं कर पाते। लेकिन आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।